wie sieht es eigentlich? Und dann wollen wir eigentlich auch zusammen üben. Practice भी करनी है हमको. इसे एग्जाम के हिसाब से 3 मिनट्स में बोलना है तो 3 मिनट्स ही मिलेंगे फिर आपको, राइट? एग्जाम में देख के नहीं बोलते हैं, पता है आपको, ऑन द स्पॉट बोलते हो. तो अभी हम लोग आपको एडवांस में बताएंगे कि कल इस पे बोलना है, और फिर जब आप कल बोलोगे तो बिना देखे बोलोगे. वीडियो कैमरा ऑन रहेगा, या कोई ऑफलाइन है तो वो यहाँ सामने आके बोलेगा, ये सिस्टम रखेंगे. हाँ, कोई आना बंद हो जाए तो अलग बात है. सो सर्टिफिकेट दे आइंस नॉय दस इज प्रूफ सीमा एस्क्रिप्शंस एंड मॉडल टेस्ट हियर. वास फ्यूर टेक्स्ट जोरटे. जोरटे मीन्स टाइप. किस टाइप का पेपर आएगा? सो इन लेजन टाइम द मोडूल क्योरन सुजामन ऑर्डर आइंसिल अबगिलेक्ट वैडन एस्क्रिप्शियर. मतलब इसका मतलब यह है कि जो भी मॉड्यूल है, 4 मॉड्यूल, लेजन मॉड्यूल, ह्योरन मॉड्यूल, स्राइबन मॉड्यूल, स्पेशल सुजामन ऑर्डर आइंसिल. इसका मतलब है आप चाहो तो चारों को एक साथ पास कर सकते हो, और आपको एक 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 करके करना है तो वैसे भी कर सकते हो. आइंसल मतलब इंडिविजुअल. दास इस्ट आउख म्योगलिश. सो मॉड्यूल है क्यों नन अब लेजन एस्क्रिप्शन टाइल है. एस्क्रिप्शन टाइल है. टाइल आइंस आइन लेंगरर अर्थ सिलेंडर टेक्स्ट सुम बाइस्पील ब्लोग आइंत्राग. नॉर्मल अरवाइज एग्जिप्ट साइन एंड ब्लॉग. इसमें कोई ना कोई ब्लॉग उठा लेते हैं वो मीडिया से ही, कहीं से भी. किसी ने किसी प्लेटफॉर्म पे लिख रखा है उसको ले सकते हैं, राइट? या इसमें 10 मिनट्स का टाइम है, 6 क्वेश्चंस है. इन लेजन टाइल इंस्किजाम गिफ्ट अस ड्राइसिस पुंक्ट है 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन, और उसको बनाना होता है उनको 100 में से, तो 3.3 एक क्वेश्चन के मार्क्स मिलते हैं. सो हियर गिफ्टस आइन लिंगरर अर्थ सिलेंडर टेक्स्ट. अर्थ सिलेंडर का मतलब कोई बंदा अपनी कोई स्टोरी एक्सप्लेन कर रहा होता है, इसमें कहानी कह रहा होता है कि हाउ इट वॉज आलसिस इन अमेरिका वार. Won't I meet my friend and Suzaman of Morgan? Yeah? It was a third man. Und Jack's richtig falsch aufgaben. Das ist the schema. कि किस टाइप का ये होगा, इसमें richtig falsch करना पड़ेगा आपको. Also sollte zwei. Type 2. Zwei Zeitung text है. Here in second tile, escape zwei Zeitung. दो newspaper के text है. एक में दो है. स्वंसिस मिनुटन दाफ्यूर बेकोबन जी. अबर हियर गिफ्ट एस मल्टीपल चॉइस ऑफ गाबन आ बे से. जोल्टन जी डन मार्की रंग. आपको एबीसी देखना होता है उसमें. बेन जी डिन टेक्स्ट फर्स्ट एन क्यों डिन जी रिश्तिस मार्की रंग डिन गिमेश. हियर गिफ्ट एस टाइल ड्राई जीवन जितवात शोरन उन सेन अनसाइगन 7 सिचुएशंस 10 एडवर्टीजमेंट्स. मतलब 4 एक्स्ट्रा होते हैं, एक का कोई आंसर ही नहीं होता. दास राइट मन नुल. 4 एक्स्ट्रा होते हैं, 6 के यहाँ पे है, एक में 0 लिखना होता है. ऑन साइगन डेन जितवात सोडन सुओडन यू आर सपोज टू मैच देम. कि फर्स्ट का गे ऐसे. मन ब्राउट हियर आउक सेन मिनूटन उन जीवन पुंट है गिफ्ट इस दा 7 मार्क्स 7 क्वेश्चन. मार्क्स तो फिर 3.3 से काउंट कर उनको गुणा कर देंगे. दान हाबन वियर जीवन लेजर ब्रीफ. लेजर ब्रीफ है संपादक के नाम पत्र जैसे लिखते हैं हम लोग. वास जाक मान हियर राइट मान आइगेंटलिश आइगेन माइनुम ओब मान द फ्यूरिस्ट ऑर्डर दागेगन. कोई एक थीमा होता है, बंदा उसके फेवर में बोल रहा है या अगेंस्ट बोल रहा है.
फेवर में बोलता है तो हमको लिखना पड़ता है या द परजोन इज दाफ्यूर, और अगर उसके अगेंस्ट बोलता है हम लिखते हैं नाइन, नाइन को क्रॉस कर देते हैं, क्रॉस मतलब राइट। हियर हट मन फुन से मिनूटन जीवन फ्रागन फ्यून्फ अनलाइटुंग फोर स्विफ्ट हाउस ऑर्डनुंग मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन, किसी बिल्डिंग को लेके, किसी एग्जामिनेशन के, किसी पार्क को कैसे यूज करना है, किसी कैंटीन में कैसे खाना खाना है, लाइब्रेरी के म्यूजियम, इट कैन बी एनीथिंग। हाउस ऑर्डनुंग रूल्स एंड रेगुलेशन, एग्जाम हॉल के रूल्स एंड रेगुलेशन, किसी भी चीज के रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। फियर मल्टीपल चॉइस ऑफ गार्डन अगेन आ बे से फियर इंस्किजम फिम फुम जैक्सिस मिनूटन ड्राइसिस फ्रागन हंड्रेड पुंत है। सो यहां पे 30 क्वेश्चंस है और उसी के 100 मार्क्स आते हैं। ऐसे ही ऑल्सो इन ह्यूरन नटूलिस वी हैव बिकम एन ओएमआर सीट द मुस्मान दन मार्कियरन दस जी इन वी राउ अमेंडे बिकम मन द फ्यूर फ्यून्स मिनूटन फ्यूर हियर प्लस फ्यून मिनूटन फ्यूर देन अंटवोर्ट बोगन। अंटवोर्ट बोगन का मतलब ओएमआर सीट जो मिलती है। फाइनली यू हैव टू ट्रांसफर द आंसर देयर। आइंस में बे था तो यहां पे उसमें आप अकॉर्डिंगली क्रॉस करोगे। आंसर शीट सर सेपरेट रहती है? हाँ, आपको अपनी बुक में जिस जो मिलता है कॉपी उसमें तो करोगे ही आप, फिर फाइनली अपनी ओएमआर सीट में, ताकि वो लास्ट में ये भी देख ले कि इधर लिखा था वो मैच तो कर रहा है ना। सो दैट्स व्हाट फॉर लेजन ऑन हियर हैपन नियर ह्यूरन इन लेजन हैपन नियर आई स्वाई ड्राई फियर फ्यून्फ टाइल है इन ह्यूरन हैपन नियर आई स्वाई ड्राई फियर टाइल है। फ्यून्फ कुछ से टेक्स्ट है रिस्टिश फाल्स उंट आबे से। हर बार एक बार दो क्वेश्चन के लिए ऑडियो आएगा और उसको दो बार बोला जाएगा। हर बार एक तो आपको रिस्टिश फाल्स करना है और एक आबे से करना है, ये दिखाऊंगा आपको। उंट मान हियर डेंटेक्स वाई बाल सेम पॉइंट है हियर सेम फ्रागन सेम पॉइंट है। दस मिनट ऑटोमेटिस ड्राइसिस ऑर्डर ड्राइविंग ड्राइसिस 3.3 का हो गया एक स्वाइट मोनोलॉग उन दस इज डायलॉग। तो डायलॉग में तो लोग बात कर रहे होंगे और मोनोलॉग में एक ही बंदा बस एक्सप्लेन कर रहा होगा कुछ। सुम बाय स्पिल मान स्प्रिस्ट आज दस इज वी आई फोर फ्यूरूम। फोर फ्यूरूम का मतलब है जैसे आपको कोई म्यूजियम दिखाएगा तो म्यूजियम से पहले उसकी थोड़ी स्टोरी बताता है। जी ह्यूरन उन दन मार्कियरन फ्यून्फ मल्टीपल चॉइस ऑफ गार्बन नूअर आइनमाल हियर डायलॉग जीवन रिस्टिश फॉल्स ऑफ गार्बन नूअर आइनमाल जीवन फ्रागन आइन उन स्वांसिश नाइन फियर उन स्वांसिश फिलाइस्ट। अजो ड्राई कोमा ड्राई एक जो क्वेश्चन है वो 3.3 मार्क्स का है तभी वो 100 का हो जाएगा। फियर एंड डिस्कशन इन रेडियो रेडियो जो सुनते हैं उनको बहुत फायदा होने वाला है। आठ आउसागन देन स्प्रेशर्न सुओर्डन देर आर एट स्टेटमेंट्स स्प्रेशर्न सुओर्डन मतलब हु स्पोक वो बात बोली किसने बोली तो वो सारी होंगी बट बोली किसने अकॉर्डिंगली वी विल मैच। खूब सारे जैसे पेपर्स पढ़े हैं पैटर्न खूब पढ़े हैं यूट्यूब पे भी पढ़े हैं 20 30 50 मिल जाएंगे आपको। सो बार बार आप उनको सुनते हो तो दिमाग में सेट हो जाता है कि यस ऐसे करना है मुझे। सो लेजन एंड ह्यूरन इनके मार्क्स कैसे आते हैं? ऐसे आते हैं रिस्टिगे रिस्टिश गिलियोस्ट ऑफ गार्बन। सपोज ये लेजन और ह्यूरन दोनों के लिए है। सपोज आपने 30 के 30 सही किए तो आपको 100 पूरे आ जाएंगे मतलब 100
एक गलत हुआ तीन कटेंगे, लेकिन दो गलत हुए तो सात कटेंगे। ऐसे ही उसको उल्टा देखो आप, तो उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 30 में से सपोज आपका एक ही सही हुआ तो 3 मार्क्स आएंगे, लेकिन दो सही हो गए तो 7 मार्क्स आएंगे। ऐसे लगता है जैसे एक बोनस मार्क्स आ रहा है, एक सही होने पे 3 मार्क्स, दो सही होने पे 7, 3 सही होने पे 10, 4 सही होने पे 13, लेकिन 5 सही होने पे 17, क्योंकि 3.3 वाला मामला है ना। सो 2 पे कभी एक नंबर एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, कभी 3 पे एक नंबर एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। सो ऐसे कई लोग बोलते हैं 57 आ गए मेरे, तो एक और होता ना तो मेरे पास हो जाता मैं। यहां पहुंचते हैं वो, राइट गुड। जो स्टेस ये आप समझ लोगे, 10 इज डन श्राइबन। श्राइबन में 3 पार्ट्स है, एस्क्रिप्ट ड्राई टाइल है, अफगावे आइंस, अफगावे स्वाई, अफगावे ड्राई। आइंस जी बिकॉमन स्वांसिस मिनूटन उन फियर सिस पुंक्ट है। हियर इस तस आउग फिर 100, 100 मार्क्स मिलने वाले हैं आपको, पास होने के लिए चाहिए 60। लेकिन ये तो टाइम दे रखा है साइट स्वांसिस चुनफुन स्वांसिस चुनसिन मिनूटन, दस इज इनफॉर्मेल, इनफॉर्मेल है ब्रीफ, प्राइवेट मेल लिखना है, ये फॉर्मल ऑफिशियल मेल लिखना है। सू जाइनर जितवाचोन, सू आइनर जितवाचोन, आइनर हाल्ड फॉर्मेल है ईमेल, तो ये कभी सेमी फॉर्मल हो जाता है, कभी फॉर्मल हो जाता है। सेमी फॉर्मल और फॉर्मल में दोनों में जी से ही बात करनी है, आपसे ही बात करनी है, रेस्पेक्ट देना है दोनों में ही। बट हाल में फॉर्मल उसको बोल देते हैं जब आप उस बंदे को पहले से जानते हो, अच्छे से जानते हो, रेस्पेक्ट करते हो, आपके चाचा जी है, आपका पड़ोसी है, कोई ड्राइवर है, तो आप ड्राइवर को तो आप तू से थोड़ी बोलोगे, तो आपसे ही बोलना है आपको। लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड को लिखना आपने, तो उसको आप ली पे लिखते हो, फील ए ग्रीशे लिख सकते हो, और प्योरली फॉर्मली हो तो जेयर गेटर दामन उठ हेरन, जिसमें आप जनरली जानते नहीं हो, किसी ऐसे बंदे को लिख रहे हो, किसी ऑफिस को लिख रहे हो, लैंग्वेज डिपार्टमेंट बर्लिन यूनिवर्सिटी, हमको पता ही नहीं हमारा मेल पड़ेगा कौन, वहां हो सकता है कोई मैडम मारिया शेफर बैठी है, हम तो जानते ही नहीं है उनको, या फिर पता चले आंद्रियास म्यूलर बैठा है, हमको पता ही नहीं, कोई सुंदरम भी बैठा हो, तो हम तो जेर गेट दामन उठ हैरन करते हैं उस केस में। मिट फ्रॉन्डलिशन ग्रुशन उसको फॉर्मल बोल देते हैं फुला एकदम से, बहुत रेस्पेक्ट, बहुत ही डिस्टेंस मेंटेन करते हैं अपन, लेकिन चाचा जी बैठे हैं तो लीब है फील ए ग्रुशे कर देते हैं। स्वाई सु आइनम थेमा आउस्टेम आल्टाग आइनम डिस्कुशंस बाइत्राग फोन सिर का एक्सिस व्यॉटर। फर्स्ट इज फॉर 80 वर्ड्स, ऑल्सो 80 वर्ड्स, हियर 40 वर्ड्स, हियर प्रिवाट ई मेल स्वांसिस मिनूटन फियर सिस मिनूटन, हियर माइनुम स्वाइनम थीमा औस्टिम आल्टाग, आल्टाग मतलब जनरल रूटीन का टॉपिक होता है, जैसे आपका थीमा होता है बोलने वाला, यहाँ पे लिखना है और उसमें भी केवल अपने माइनुम 80 वर्ड्स फ्रॉम फ्रांसिस मिनूट फियर सिस पुंटर। सर क्वेश्चन था सर, यहाँ पे इनफॉर्मल मेल नहीं लिखना है फिर, राइट? इनफॉर्मल मेल नहीं रहेगा, ये है ना इनफॉर्मल। ओके ओके, फर्स्ट वाला प्राइवेट है वो इनफॉर्मल ही है, अपने भाई को दोस्त को, ये इनफॉर्मल है, ये फॉर्मल और सेमी फॉर्मल है। या आपने क्या पूछा, माइनम सर या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव? हाँ, जब आपको अपनी ओपिनियन देनी है माइनम, तो उसमें एक ही डायरेक्शन लेनी है, किसी चीज के अगेंस्ट में हो तो अगेंस्ट में,
आपको किसी चीज के फायदे दिख रहे हैं तो उसके फायदे बताने, और अगेंस्ट बोलना है तो अगेंस्ट बोलना है, बस मिक्स नहीं करना। यानी सर दोनों चीजें नहीं बोलनी है, एक ही, एक अगर फेवर है तो फेवर में बोलना है, अगर नहीं है तो फिर अगेंस्ट। यस ओके ताकि हम उस सर वो पेज, सर वो वाला पेज दोबारा एक दफा दिखा देंगे, वो जो जिसमें मार्क्स, हाँ ये वाला सर। ओके सर, थैंक यू सर। Thus is done here. Expression. Drei Aufgaben. Einmal Dialog. Gemeinsam etwas planen. मिलके हमको कुछ प्लान करना है. Drei Minuten. 3 minutes ही मिलते हैं इसमें, इसलिए अब जब भी हम लोग बोलेंगे अपनी क्लास में, डायलॉग करेंगे, we'll take only 3 minutes maximum. उससे ज्यादा होते ही रोक देंगे अपन, चाहे वो कहीं पहुंचा हो. Und dafür bekommt man 28 Punkte. 28 marks मिलते हैं डायलॉग करने के. Und ein Thema präsentieren. प्रेजेंटेशन जो करते हो, थेमा पे बोलते हो. Drei Minuten pro Kandidat. 3 minutes you will be speaking. Und 40 Punkte bekommt man dafür. 40 marks. ये तो अलग अलग बता दिया इन्होंने कि डायलॉग के 28, प्रेजेंटेशन के 40, लेकिन उसके अलावा 16 और 16 ये मार्क्स और अलग करे इन्होंने. ये 16 मार्क्स हैं, आप फीडबैक देते हो, क्वेश्चन पूछते हो उस चीज के. ऑफ द प्रेजेंटेशन दिस पार्टनर्स रिएगियरन, उस पर रिएक्ट करते हो और क्वेश्चन पूछते हो, दो चीज है ये. रिएगियरन का मतलब तो है बिमेरकुंगन माखन, फीडबैक देना उसको कि आपने अच्छा बोला, आपकी ये बात मुझे बहुत पसंद आई ना, ऐसे करके 1-2-3 लाइन बोलनी है और फिर बोलो आबर हिसाब आई ने फ्राग है, ये हिसाब है आई नी ए फ्राग एन, एंड देन यू आस्क योर क्वेश्चन. ये दोनों पॉइंट कवर हो रहे हैं तो 16 मार्क्स मिलेंगे. तो वो यही देख रहे होते हैं कि इसने क्वेश्चन तो पूछ लिया, इसने रिएक्ट किया कि नहीं, उसने बोला कैसे उस बारे में, कुछ तो रिएक्ट करोगे तो उसके मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो 8 नंबर दे देंगे. मान लो क्वेश्चन से ही पूछ लिया आपने लेकिन रिएक्ट तो नहीं किया था तो 8 मार्क्स आ जाएंगे. Und am Ende Aussprache und Intonation. Aussprache है, मान लो थेमा बोलना शुरू किया उसने और आओ देखा मैं ताओ बोल गया, पता ही नहीं चला कि कहां पे ब्रेक आया, कहां पे पोज ही नहीं लिया उसने, तो फीलिंग ही नहीं दिखाई उसने, तो कहीं पे क्वेश्चन भी पूछना था या मुस्कुराना भी था, वो तो मुस्कुराया भी नहीं क्योंकि एग्जाम चल रही है, तो उसके नंबर काट लेंगे वो. आउस्प्राक है कि आपने सी एच को शे बोला कि खे बोला, कि जितवाच्योन को चिचवाच्योन तो नहीं बोल दिया आपने, वो नोट करते हैं सारा, राइट. साइट को जाइट तो नहीं बोलिया है, जाइट है क्या बोलना था वो देखना पड़ेगा. इंटोनेशन का मतलब यही है कि अप्स एंड डाउन्स बोलते टाइम पे, वस हैवन दी देन गिजाक्ट, तो क्वेश्चन में आपने गर्दन भी हिलाई कि नहीं, सावधान तो नहीं रहे पूरे टाइम, डरते तो नहीं रहे, या मोटिवेटेड तो दिखे, मुस्कुराए कि नहीं, ये सारे पॉइंट होते हैं, रिकॉर्ड हो रहा होता आपका सब कुछ. यस, तो ये अब देखेंगे हम लोग कौन मूर्ति बन के बोलता है ये. Das ist eigentlich Schema. Klar? सर सर राइटिंग के नंबर कैसे होते हैं? बहुत बढ़िया, मार्क्स कैसे होते हैं? अच्छी राइटिंग हो तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं, अगले को पढ़ना तो आने चाहिए. नहीं नहीं सर, आई मीन के एक एक क्वेश्चन के कितने होते हैं और एक एक कितने, कैसे काउंट कैसे करते हैं? दोबारा बोलो क्वेश्चन. सर राइटिंग के मार्क्स कैसे, जैसे ईमेल के लाइक 40 हैं, थैमा के ये देखना चाह रहे थे. स्क्राइबन के ना? यस सर. तो राइटिंग में तो नहीं, नहीं सर राइटिंग, राइटिंग जो है ना, यस, तो उनके पास स्कोप है ना कि आपने 40 मार्क्स देने हैं उनको, तो वो ये देख लेंगे कि इनहाल्ट मतलब जो पूछे सारे क्वेश्चन के जवाब दिए कि नहीं, स्टार्टिंग और एंडिंग ठीक से है कि नहीं, इसमें क्या क्या चीजें जनरली, जैसे
कमेंट, क्या क्या पॉइंट्स हमको मेनली ध्यान रखने होते हैं सर? हाँ सर, जैसे हमने लेटर लिखा तो उसमें अगर सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करें तो उसमें मार्क्स कम मिलेंगे ना? बिल्कुल कम मिलेंगे। जैसे मान लो स्टार्टिंग है मेल की, तो कोई पर्टिकुलर फ्रेम में हमको स्टार्टिंग करनी चाहिए थी, फिर यहाँ पे स्मॉल लिखा कि कैपिटल लिखा, कोमा किया कि नहीं किया, उसकी जो मेन बॉडी है उसको रिस्पेक्टफुली आपने प्रॉपर डिवाइड किया क्या। सपोज दो तीन पॉइंट थे तो आप चाहते तो उसको दो तीन पॉइंट के हिसाब से ही सुंदर सा फ्रेम किया कि नहीं किया, लास्ट में उसकी एंडिंग उसी तरीके से करी कि नहीं, नाम अगर फॉर्मल है या इनफॉर्मल है अकॉर्डिंगली आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया। तो ये तो एक फ्रेम हो गया कि इस फ्रेम के भी मार्क्स है कि आप ध्यान रख पाए। जैसे मान लो ऐसे लिखना था हेलो, हेलो फ्रेंड है, हेलो फ्रेंड है, अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे कोमा नहीं आएगा, फिर तो इंपरेटिव वाला आएगा और फिर यहाँ पे भी कैपिटल लेटर आएगा, लेकिन आपने लीव ए फ्रेंड लिखा तो यहाँ कोमा आएगा और यहाँ स्मॉल आएगा। तो ये पॉइंट्स आप नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? दूसरी बात, मान लो आपने इन चीजों का ध्यान तो दे दिया बट पढ़ने में नहीं आ रहा आपका लिखा हुआ, तो फिर तो मार्क्स तो कटेंगे ही, जो पढ़ने में ही नहीं आ रहा उसके तो उस चीज के तो मार्क्स कट जाएंगे। आपकी राइटिंग सुंदर है तो ऑफकोर्स उसके मार्क्स तो मिल ही जाते हैं, कोई बताता थोड़ी है, उनके 40 मार्क्स देने हैं इसमें। तो 40 मार्क्स देने हैं तो कैसे? एक तो शेमा हो गया, एक इन हाइट हो गया। इन हाइट का मतलब जैसे चार पॉइंट थे तो चारों पॉइंट आपने कवर करे क्या? आइन स्वाई ड्राई फियर, चार पॉइंट थे चारों कवर करे क्या आपने? वो एक आइन लाइटुंग श्लूस, एंडिंग स्मूथ थी ना, बिग्रिशुंग कैसा था, ये बात होगी। स्रिफ्ट भी वो लेज बार है कि नहीं, रीड कर पा रहा है कि बंदा नहीं कर पा रहा है। उसके अलावा वो ना भी कहेंगे इस बात के मार्क्स है कि आपने फर्स्ट स्टेप हर्बिंडम यूज किए कि नहीं। मतलब नोमन वर्ब, वर्ब प्रेपोजिशन, वर्ब एडजेक्टिव, जो फिक्स फॉर्मेट है ना वाटन ऑफ, ये आपने यूज किए कि नहीं? क्योंकि B1 में वो मान के चलते हैं कि ये आपको आना ही चाहिए, ये आपने यूज किए कि नहीं किए, उनको इसके मार्क्स देने हैं। फिर उन्होंने दिमाग में सोच रखा है पहले ही कि ये बंदा B1 का है, ये ऐसा कहां लगा अपन को, A2 वाला भी लिख देता क्या ये चीज? मतलब ग्रामेटिक कहीं फीलिंग ऐसी भी आनी चाहिए कि कासवाई भी यूज किया है कि नहीं, एडजेक्टिव एंडिंग कहीं दिखाई कि नहीं इसने। अब मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं बस आपको, ये जरूरी नहीं है कि पैसे आना ही आना चाहिए, ऐसा नहीं है, बट कहीं ना कहीं उनको ऐसा रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि ये B1 का बच्चा है भाई ये तो, या कोई वर्ड ऐसे वोकैब अच्छा सा सुंदर सा वर्ड यूज किया, उन अनगे नेम, वाह भाई गिव्यूटलिश, तो इस तरह के थोड़े वर्ड जो अलग है यूज कर रहा है बच्चा, वो शॉट्स। तो ये वोकैब्स के वर्ड अगर रिपीट होते हैं तो भी मार्क्स करते हैं क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है कि वर्ड रिपीट हो गया तो ऐसा कोई मार्क्स कट जाएगा क्या। अब स्पेलिंग गड़बड़ होगी तो कट जाएगा, क्लाइन और ग्रोस, मान लो क्लाइन ग्रोस, इसका सीन इसको पता है कि नहीं, मारिया कुछ मोरिया छोटा सा लिखा है,
पहली बात तो मोरिया नहीं लिखना था, मारिया लिखना था, और फिर उसको भी एम कैपिटल लिखना चाहिए था। तो वो चीज क्लाइन ग्रोस का ध्यान रखना पड़ेगा। रेस्ट श्राइबुम, राइट, स्पेलिंग वगैरह का कोई ज्यादा चक्कर तो नहीं है इसके, इसको फिर एग्जाम दिलवानी चाहिए कि नहीं, पता चल जाता है उनको पढ़ते ही कि इसको तो फिर दिलवानी चाहिए। ठीक है, तो सर अगर जी हाँ सर सर अगर एग्जाम भरते हैं और उसके बाद एक मॉड्यूल सपोज करो क्लियर नहीं होता, तो फिर सारा एग्जाम देना पड़ता है या वही मॉड्यूल सिर्फ देना होता है? सिर्फ वही मॉड्यूल वापस देना है। केवल वही वापस देना है, ओके सर। बट क्या है, मेहनत करके एक साथ हो जाए सर उसका कोई मुकाबला नहीं है, स्ट्रेस रहता है उतना का उतना वापस जब तक क्लियर नहीं हो। सर ये ECLS वाले तो कह रहे हैं कि अगर आप रिटर्न रिटर्न और उनका राइटिंग जो है वो एक पार्ट है, और उनका लिसनिंग और ओरल जो है वो एक है। अगर उनमें से एक रह गया तो वो दोनों ही देने पड़ेंगे, और अगर उनमें से एक रहता है तो वो भी दोनों ही देने पड़ेंगे। हाँ ये तो बात सही है, उनका अलग पैटर्न है। ECL ECL में उन्होंने दो दो के जोड़े बना रखे हैं, जी सर, और कि भाई एक में कोई एक थोड़ा बहुत नंबर कम आ गया तो दूसरा कवर करके दोनों का एक साथ निकलेगा, ऐसे दूसरा एक साथ निकलेगा, लेकिन पर्टिकुलर मार्क्स है इतने से कम आ गए तो दोनों ही वापस देने हैं। अलग अलग फंडे हैं सबके। सर यहाँ वो गोइथे और टेल दोनों अलग होता है? गोइथे अलग है, टेल्क अलग है, ECL अलग है, तीनों अलग, OSD अलग है, अलग अलग है सारे। तो क्या सर हम तैयारी लोग तो इनमें से सबकी ये टेल्क टेल्क दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं, टेल्क भी दे सकते हैं, अपन कोशिश करेंगे कि दो या तीन पेपर टेल्क के देखें। ओके सर। तो उसमें बिल्ड बेस ट्राइबूंग आता है ना उसमें? हाँ इसमें नहीं आता ना? इसमें नहीं आता। तो यही इजी होगा सर। ECLS और गोएथे जो है इन दोनों का पैटर्न एक ही है, तैयारी एक तरह की करनी है। हाँ लगभग पैटर्न एग्जाम का है, वो अपन को देखना पड़ेगा। क्योंकि सर हम जो है वो ECLS देंगे। तो पेपर उसका शेयर करो यहाँ पे, उसको भी देख लेंगे ECL में क्या लगे है। सर यही तो एक्चुअली जो आपको कह रहे हैं सर गोएथे पैटर्न तो शेयर करेंगे, पढ़ा ही होगा वो तो, नेट पे भी पढ़ा होगा ECL का। सर हाँ आपके हिसाब से इनमें से गोएथे और टेल्क में से आसान कौन सा लगता है स्टूडेंट्स को? देखो टेल्क का तो बहुत कम हुआ है यहाँ पे, एक दो बार ही हुआ है अभी तक, पहले टेल्क का यहाँ था ही नहीं, किसी जमाने में बेंगलोर में होया करता था जो बंद पड़ा था, इनएक्टिव सेंटर था, और किसी कंपनी में जाके ले लिया उन्होंने, इस टाइप का सा मामला था, फिर सालों तक था नहीं, अब वापस आ गया वो सेंटर, अब की बार आगरा में आ गया, तो उसका ज्यादा अभी हुआ नहीं है, एक दो बार ही पेपर हुए हैं, अब दिसंबर में होगा उसका। फीस में थोड़ा सा फर्क है, अब गोएथे वाले में इंडिविजुअल एक एक भी पास कर सकते हैं, उसमें तीन का एक साथ और एक का एक साथ इस तरह से कर रखा है, ECL वालों ने दो दो का एक साथ कर रखा है, यहाँ पे इन्होंने कि एक साथ सारे कर लो तो सारे, नहीं तो एक 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 में 60 मार्क्स आपको सिक्योर करने हैं। मैं आपको ये एक्चुअली सर बोलूंगा, यस मैं आपको ये बोलूंगा, जिसका आप इजीली बुक कर सकते हो उसकी तैयारी करके दे दो। गोइथे वाले रजिस्ट्रेशन में परेशान करते हैं, या उनकी तकनीक ऐसी है जिससे दुनिया परेशान हो जाती है, हम देख ही रहे थे, अपन बात कर रहे थे उस दिन भी टेल्क सर की। यहाँ पे भी उसकी हाँ फीस भी ज्यादा है। ओके ठीक है, या मुख्तार सर ये टेल्क के तीन तीन मॉड्यूल एक साथ देने होते हैं? नहीं, पेपर तो सारे ही होंगे, वो तीन को एक साथ क्लब कर रखा है और एक को एक साथ ऐसे। सबगेशन को अलग किया हुआ उन्होंने। हाँ
एक्सप्रेशन को अलग कर रखा है। यस बाकी लोग कह रहे हैं कि भाई बाकी लोगों ने पूछ लिए, वही मेरे सवाल थे, मेरे अलग से नहीं है। वो थे एवन में भी एक्सप्रेशन अलग ही है सर। हाँ एवन में भी एक्सप्रेशन अलग ही है, क्योंकि एग्जाम को आप देने जाते हो तो वो तीन का एक साथ दे देते हो और एक्सप्रेशन का फिर अलग से होता है। राइट दैट्स राइट। सर ये सर्टिफिकेशन की वैलिडिटी कुछ रहती है इसमें? सर्टिफिकेशन की मतलब जैसे कंपनियों के लिए कोई वैलिडिटी नहीं होती। जैसे मान लो एक बार आपने B1 पास कर लिया, मैंने 2008 में करा था सपोज, तो अब वो कहीं कंपनी में नौकरी देने जाऊंगा तो वो दिखा सकता हूँ मैं, हालांकि नौकरी नो वैलिडिटी, नो वैलिडिटी, नॉलेज लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी का कोई चक्कर नहीं है। ओके लेकिन यस जॉब आपको उससे नहीं मिलती, वो तो एक दिखाने के लिए है। जॉब तो कोई भी कंपनी एक्स वाई जेड कोई भी कंपनी हो वो भरोसा सर्टिफिकेट पे कतई नहीं करती। केवल सर्टिफिकेट पे नहीं करती, आपका टेस्ट जरूर होगा ऑन द स्पॉट। किसी भी एक्स वाई जेड कंपनी में चले जाओ तो टेस्ट सर वो तो है राइट। दूसरी बात लेकिन अगर आप मान लो जर्मनी जा रहे हो किसी कंपनी के पास, तो हो सकता है कि कंपनी वहां पे आपका फिर से टेस्ट ले ले। उसके लिए मेंटली रेडी रहना पड़ेगा। और हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम में या इनमें जा रहे हो आप, मान लो डायरेक्ट प्लेसमेंट में कहीं जा रहे हो, तो वो लोग ये मान के चलते हैं कि एक साल से पुराना सर्टिफिकेट ना हो आपका, उस केस में फिर वो वैलिडिटी वाला चक्कर हो जाता है। ये दोबारा बताइएगा सर दोबारा। कि जैसे आप जर्मनी में हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम करने जाना चाहते हो फॉर एग्जाम्पल, या फिर डायरेक्ट प्लेसमेंट आपका होना है, आप नर्स हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपका सर्टिफिकेट एक साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। नॉर्मली ऐसे मानते हैं, कोई पर्टिकुलर कंपनी का अलग भी हो सकता है जनरली। ओके सर ये मैंने एक एम्बेसी में भी देखा था कि उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में भी लिखा हुआ था कि होम किसी भी होम कंट्री के एम्बेसी में भी अमूमन ऐसा होता है कि आपको वो एक साल से पुराना सर्टिफिकेट वो कहते हैं कि आप दोबारा से टेस्ट दे के आए। हाँ तो, क्योंकि वो उनको लगता है कि भूल भाल गया होगा, फॉरेन लैंग्वेज है इसलिए। Yes, but as such, तो कोई इसमें वैलिडिटी होती नहीं है सर, बिकॉज इन द मार्केट देर आर फ्यू सर्टिफिकेशन जिनका फिक्स वैलिडिटी है 3 years, सो 3 year 3 साल के बाद आपको दोबारा सेम एग्जाम देना है टू रिन्यू द वैलिडिटी। सर्टिफिकेट के ऊपर डेट रहता है वैलिडिटी डेट। अच्छा फॉर एग्जाम्पल PMP प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ओके सो फिक्स वैलिडिटी है उनका सर 3 साल 3 years का है, फिर वापस से देखे और उस पे डेट नहीं जल जाती है, यू रिन्यू। यस ओके यू गेट अ न्यू सर्टिफिकेट। नहीं लेकिन मैंने जो आपको बताया डायरेक्ट प्लेसमेंट वाला और ये जिसमें हम लोग भेज रहे हैं एक्चुअली, इसलिए मुझे वापस से उन्होंने मैंने कंफर्म करना जरूरी। मे बी वो कंपनी का रिक्वायरमेंट होगा बट एज सच सर्टिफिकेट का कोई वैलिडिटी नहीं है ना सर। हाँ हो सकता है बट वो एक पर्टिकुलर कंपनी का नहीं, अलग अलग जगह भेज रहे हैं ना, सबका वही कहना है, तो उन्होंने कोई रूल बना लिया होगा ऐसा, क्योंकि हॉस्पिटल तो आई थिंक यूनिवर्सिटी के रूल्स भी, यूनिवर्सिटी के रूल्स के हिसाब से भी होगा ना ये, तो कोई यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करेगी कोई तो नहीं। यूनिवर्सिटीज भी ऐसा करती होंगी मेरे ख्याल से, होना नहीं चाहिए, बाकी कर सकती है यूनिवर्सिटीज भी। सो देन वी नीड टू रीराइट द एग्जाम्स राइट, अगर समझो ये सर्टिफिकेट वैलिड यूनिवर्सिटी वाला मेरे को चेक करना पड़ेगा। जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज में काम कर रहे हैं या वहां पे पढ़ रहे हैं, तो वहां पे पूछ सकते हैं अपन कि ऐसा रूल बना रखा है क्या यूनिवर्सिटी ने रिटर्न में कि एक साल से पूरा। अगर नहीं भी होगा तो देन लेटर ऑन प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ वो तो वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में तो हो ही सकती है खैर, बट फिर भी रूल ही है तो फिर अपन को उस हिसाब से प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा। सर ऐसा भी है कि एग्जाम अगर कोई एग्जाम रह जाए बीच में तो वो 6 months के अंदर अंदर उसको क्लियर करना पड़ता है। मतलब वो तो वैलिडिटी उसकी, जैसे मान लो आप जर्मनी जाना चाहते हो और उन्होंने बोला है कि एक साल से पुराना नहीं होना चाहिए, तो आप एक साल से पुराना क्या नहीं होना चाहिए, टोटल सर्टिफिकेट। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक पेपर तो मेरा एक साल से पुराना हुआ नहीं, बाकी 3 पुराने हो गए, तो ये तो नहीं चलेगा। अगर एग्जाम में रह जाए तो उस 6 months के अंदर एग्जाम देनी पड़ती है। वो अगर मान लो आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना है तो
फॉर एग्जाम्पल कई लोग क्या करते हैं, जैसे ओपन स्कूल में देते हैं वैसे सोचते हैं कि एक बार B1 का एक पेपर दे लेता हूँ, फिर 3 महीने बाद में दूसरा दूंगा, फिर 3 महीने में तीसरा दूंगा, फिर चौथे में एक दूंगा, है ना, अपने रिलैक्स के हिसाब से आराम से करते हैं। तो अभी इंस्टीट्यूट ये बोल देता होगा कि भैया आपके सारे पेपर विदिन 6 मंथ के होने चाहिए कम से कम, ताकि हम उसको क्लब करके एक सर्टिफिकेट बना दें। ऐसे उसको क्लब करके एक सर्टिफिकेट, क्योंकि कहीं आप कंपनी में जाते हो कहता है B1 का दिखाओ, तो आप कहते हो ये लो, ये एक और लो, ये लो, एक की जगह 4 लो, तो आपकी तरफ अलग देखा जाएगा कि यार ये आदमी है कि क्या है, ये 4-4 देता है, अपॉइंटमेंट भी 4 बार में मिलेगा फिर। हाँ, ये चक्कर नहीं पड़े, इसलिए वो कहते हैं कि विद इन 6 मंथ्स आपका हो तो हम एक बना देते हैं उसको। सर हाँ, जैसे स्कूल्स में टीचिंग के लिए अप्लाई करना हो तो सर B1 से काम चल जाएगा? डिपेंड करता है स्कूल पे, बढ़िया स्कूल होते हैं वो, अच्छे स्कूल होते हैं B2 मांगते हैं जनरली, मैं आपको बताऊं। और जैसे मान लो, अब ये मजेदार क्वेश्चन है आपका कि यूनिवर्सिटी में भी B2 पे काम करता है आदमी, वैसे यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है MA मिनिमम, नहीं मिलता, वैसे तो उनके पार पड़े तो PhD को लेते हैं, नहीं मिलता PhD तो MA ले लेते हैं, क्या करें, MA नहीं मिलता तो क्या करें, C1 नहीं मिला तो B2, उनको काम भी चलाना होता है ना अपना, ऐसे ही स्कूलों का है मामला, अगर मान लो B2 है तो B2 वाले को लेंगे ना, बट B1 से पहले तो कोई स्कूल नहीं लेता मेरी जानकारी में, कोई बच्चों का भी स्कूल हो तो B1 से पहले तो कोई नहीं लेता, 6th 7th 8th को भी पढ़ाना है तो B1 मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है। मेरी डॉटर के स्कूल में सर क्लास टीचर और प्रिंसिपल दे डोंट स्पीक और अंडरस्टैंड इंग्लिश एट ऑल, फिर तो एट ऑल, आहा, मे बी दे डू नॉट वांट टू, नो नो सर, दे डोंट अंडरस्टैंड, ओके, दे डोंट अंडरस्टैंड, ओ माय गॉड, दैट्स इट, या द एल्डर है जनरेशन फर्स्ट इट वर्कलेस दस नेक्स्ट द ब्राउटन दस नेक्स्ट अबर यस्ट द यंगर जनरेशन शोन या निष्ठ आल है अबर फील है शोन। मल्टीनेशनल कंपनीज में आज जो भी जर्मनी में काम कर रहे हैं वहां पे इंग्लिश कल्चर भी चलता होगा बराबर, मुझे लगता है, मे बी दे स्टिल उसमें भी प्रॉब्लम रहती होगी, बट अदरवाइज तो उनकी दशा होने वाली है अगर नहीं चल रहा है तो, क्योंकि हमारे डिपेंड्स कि वो काम कहां पे करते हैं वो कंपनी, if yes. it's international then it's english, if it's in germany then deutsch, yeah local, मान लो यहां पे भी हमारे local service center है तो उसमें तो english किस लिए चाहिए, internationally उनको grow करना है, internationally business करना है तो उनको चाहिए, but depends कि customer कौन है, वो सारी बात उसी पे depend करती है कि customer कितना पढ़ा हुआ है, किस category का है, accordingly फिर उनको staff की जरूरत पड़ेगी। ओके यस्ट, अभी कब है सर गोइथे का B1 की एग्जाम? गोइथे की B1 की एग्जाम का बुकिंग जो 4 डेट आई थी ना, चारों बुकिंग क्या फुल है के, चारों फुल है सर, चारों फुल है तो फिर तो देखो अब नेक्स्ट मंथ पे आएंगी, अगली बार नवंबर में आएगा सर दिल्ली के लिए, दिल्ली के लिए नवंबर में आएगा, 6 नवंबर, शाड़े, नो कमेंट्स, आएगा यही मान के सर, लेकिन आपकी आपकी प्लीज मेरा आप करवा दीजिए, अमित सर से बोल के रजिस्ट्रेशन, आपने लिखा था मेल किसी को? सर नहीं, मैंने पहले ही लिखा था, फिर तो देखा जाएगा, अब देख सर नेक्स्ट टाइम, ठीक है, ट्राई करना है फिर, जब भी जहां भी निकले उसके लिए ट्राई करना है और कोशिश करते जाना है, कहीं ना कहीं तो होगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, हाँ
सर आपके यहाँ जो स्टूडेंट्स B2 करते हैं वो उनका क्या पर्पस होता है? B2, B1 से B2 में 50% लोग ही जाते हैं जनरली, वो भी मैक्सिमम है जनरली, क्योंकि जॉब तो B1 पे अवेलेबल रहती है जनरली। सो B2 जो कर रहा है वो या तो उसका टारगेट है जर्मनी में कहीं पे, या फिर कोई अच्छी कंपनी में काम करना है इंडिया में, तो B2 मांगती है अच्छी कंपनियां, सिर्फ कंपनीज में। हाँ, मल्टीनेशनल कंपनीज में। किसी को मान लो ट्रांसलेशन के फील्ड में जाना है तो B1 भूल ही जाओ, B2 C1 चाहिए ट्रांसलेशन में। मान लो किसी को गाइड बनना है तो B1 पे तो भूल ही जाइए, गाइड में तो फिर Not only translation sir, यहाँ पे actually जो company अपना business outsource करती हैं, they don't speak English at all. So जो India में जो भी लोग hire होते हैं, I know couple of companies they hire German people. So उनका requirement ये है कि जो भी वहाँ पे उनके साथ काम करते हैं client के साथ, they expect कि जो भी वहाँ पे काम कर रहा है must understand and speak English or German. Yes, because B1 में क्या काम चला उसे ही काम हो पाता है। आप confidence से चीजें टैकल करना चाहते हो, किसी का बिजनेस हैंडल करना चाहते हो, तो जिम्मेदारी वाली बात हो जाती है ना। तो बहुत सारी कंपनी ऐसी भी होती हैं कि उनको 100 लोग चाहिए तो 50 लोग तो B1 वाले हायर करेंगे और 50 वाले वो ऊपर वाले जो जिम्मेदारी वाले हैं, तो फिर अकॉर्डिंगली उनका पेमेंट भी वैसे ही होगा। तो वो जो 50 है उनके ऊपर सुपरवाइजर होंगे सारे, वो उनसे तो ज्यादा नॉलेज वाले ही चाहिए, फिर मैनेजर है वो उनसे भी ज्यादा नॉलेज वाला चाहिए। इस तरीके से उनको बिजनेस को डील करना होता है। सो B2 में अच्छे जॉब्स रहते हैं, B1 में एंट्री लेवल के जॉब्स मिलते हैं। सर मुझे लगता है B2 मतलब टीचिंग में उतना बेनिफिट नहीं है जितना कंपनीज में फॉरेन लैंग्वेज को लेके। मतलब टीचिंग में ज्यादा बेनिफिट नहीं है? नहीं सर, क्योंकि मेरे हस्बैंड खुद भी फॉरेन लैंग्वेज फ्रेंच पढ़ाते हैं। ओके, हाँ हो सकता है भाई, गलती कर दी हमने, इट्स ओके। नहीं जैसे प्रमोशन वगैरह में भी दिक्कत होती है सर। नहीं तो डायरेक्ट ऑफेंस है आपके लिए। ऐसी कोई बात नहीं, एक्चुअली हर जगह डिमांड रहती है, आप किस तरह से क्या कर रहे हो तो डिपेंड्स रहती है डिमांड तो। ओके सर, B1 और B2 में क्या डिफरेंस आता है? B1 और B2 में क्या डिफरेंस होता है? यस, B1 में जामनी जपत होने से बचाना, मतलब कैसे तैसे एक जॉब ले लेना B1 है मेरे ख्याल से, कि वहां पे आप सरवाइव कर जाओ जॉब में। और B2 में लिटरेरी चीजें ज्यादा आती हैं, लिटरेचर। B2 का मतलब है कि आपको जैसे मान लो कि रेडियोज बार बार सुनना, आपको मैगजीन, जैसे अपने जो पेपर हो रहे हैं ना अभी, इनका भी स्टैंडर्ड आप देखोगे कि नॉर्मल टेक्स्ट से बेटर स्टैंडर्ड है आपके पेपर्स में जो पढ़ रहे हो आप, क्योंकि यहां पे डायरेक्ट न्यूज़पेपर की कटिंग्स और वो सब आ रही है। तो आप ये समझो कि ये आप B1 के जो ये मॉडल टेस्ट पेपर कर रहे हो, तो ये आपकी कहीं ना कहीं किसी लेवल पे B2 की भी तैयारी हो रही है, क्योंकि ये प्योर मीडिया है। इसमें आप रेडियो सुनते हो, इसमें आप मैगजीन, इसमें आप ब्लॉग, इसमें मान लो आप टीवी देखते हो। तो ये B2 वाला जो है वो है आल्टाग डोइच, वास्तव में जैसा कि जर्मन्स बोलते हैं, जैसा कि उनके एडवर्टीजमेंट रहते हैं। B2 का मतलब है रियल लाइफ सिनेरियो। B1 A1 A2 B1 तक की जो भी जर्मन हमने पढ़ी है वो बनावटी है, ज्यादातर केसेस में बनावटी का मतलब है वो आपको पढ़ाने के लिए लिखी गई है। ये सर आपने पहले क्यों नहीं बताया? वो आपको बताने के लिए, पढ़ाने के लिए लिखी गई है उस तरह की। बट रियल लाइफ में आपको कहीं भी भिड़ना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट पढ़ना पड़ता है, आपकी पेनल्टी लग जाती है, राइट? वो रियल B2 है, जिसमें लिटरेरी टेक्स्ट, जैसे अभी हमने B1 में भी पढ़ा है, लेकिन वो तो केवल एक नजारा था कि कैसे ओमा गायब हुई और रोमान का टेक्स्ट आया ना, दैट इज लिटरेरी। सो B2 में लिटरेरी चीजें बहुत सारी आती हैं और रियल लाइफ की चीजें बहुत सारी आती है। ठीक है, सुना कि ग्रामर
इतनी रहती है। ग्रामर थोड़ी सी ज्यादा है, मतलब मैक्सिमम ग्रामर तो आपकी आ चुकी है, आपको बताओ A1, A2, B1 में मैक्सिमम ग्रामर आ चुकी है आपके पास, डेफिनेटली B2 में भी ग्रामर है, बट उस लेवल पे नहीं है। कुछ कुछ ट्रिकी चीजें हैं, C1 में भी आएगी कुछ ट्रिकी चीजें, लेकिन वो डे टू डे लाइफ की चीजें नहीं है एक तरह से आप बोलो तो। लेकिन मीडिया में तो उनको लिखा जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच टाइप की चीजें वो तो होंगी, बट ज्यादातर ग्रामर आपकी आ चुकी है। जितनी ग्रामर आपने सीखी है उससे आपका बहुत बढ़िया तरीके से काम चल सकता है, इफ यू आर इन टच विद द लैंग्वेज, इफ यू आर रीडिंग रेगुलरली, इफ यू आर लिसनिंग रेगुलरली, इफ यू आर स्पीकिंग राइटिंग। B2 में 5 to 6 months लग जाते हैं। योगिता यू हैव क्वेश्चन? यस सर। ये सर एक्चुअली आप ये जो एग्जाम पैटर्न है सर, कोर्स सिलेबस जो है जो हम कर रहे हैं, तो आपने कहा ना कि ये टेल्क और गोएथेका और ये OSD जो भी है उनके एग्जाम्स भी सेम ही रहते हैं, फिर ये डिफरेंस क्यों है सर? कोई कोई लोग टेल्क का कोर्स ही ज्वाइन करते हैं और वो एग्जाम देते हैं, ऐसे क्यों है? देखो जर्मनी में जो लोग एग्जाम दे रहे होते हैं, जर्मनी में टेल्क के इतने सेंटर हैं कि हर कहीं एग्जाम लग ही रहा होता है, तो उनके लिए वो प्रैक्टिकल है। वहाँ आदमी ये नहीं देखता मेरे 50 यूरो ज़्यादा लग गए, उनको तो चाहिए तो उसको जहां मिलेगा वहां वो दे लेगा। तो कोई इसका मतलब ये नहीं है कि वो इजी पड़ता है इसीलिए वो दे रहे होते हैं, सब कोई अपनी प्रैक्टिकलिटी देखते हैं कि मेरे लिए कहां पे इजीली मैं उसको कर पाऊंगा। तो जर्मनी में टेल्क के शायद मेरे ख्याल से 1000 सेंटर से भी ज्यादा होंगे, हर जगह टेल्क का सेंटर मिलता है, जगह जगह। और अपने यहाँ पे टेल्क का सेंटर ही एक है, अब आ गया एग्जाम तो फिर हो सकता है 4 महीने बाद हो, तो इसलिए जहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा अवेलेबल होती है उसको प्रीफर करते हैं लोग, और जिसकी वैलिडिटी रहती है, तो वैलिडिटी तो इन तीनों की है वैसे देखिए तो। अब कई लोग इसको ऐसे भी लेते हैं कि गोएथे का नाम बड़ा है, कई लोग उसको उस तरह से भी लेते हैं, अब वो डिपेंड करता है, लेकिन वैलिडिटी है तो है, बस बात खत्म। या मुख्तार? ओके सर। सर ये मैंने सर ये पूछना था कि जो हमने श्राइबर में जितना कुछ अभी थोड़ा बहुत किया, तो उसमें हमारी जो पंक्चुएशन है वो आगे चल के B1 से आगे अभी हमने जितनी किया वो B1 तक की हमने कर लिया, या इसमें अभी और भी हमने कुछ करना है बेहतर, या B2 में आगे चल के होगा? देखो आपको मैंने कुछ 15-20-25 लेटर शेयर किए थे क्या? नहीं सर। कुछ पेपर्स आपको? सॉरी सर। कितना? 4-5 ही करे? 4-5 ही करे। तो आपको मैं 15-20 लेटर शेयर करता हूँ, ठीक है, ईमेल्स फॉर्मल और इनफॉर्मल के, तो वो एक तरह से आप उसको एज ए स्टैंडर्ड देख सकते हो, ठीक है? तो आपको उसमें आइडिया लगेगा। जो मैं अभी बात कर रहा था, फॉर एग्जाम्पल हमने ये बात करी कि नोमन वर्ब प्रपोजिशन ये चीज उसमें यूज करी हुई हो, कुछ औसद्रुक है एक्सप्रेशंस, औसद्रुक है एक्सप्रेशंस उसमें यूज किए हुए हो, उसमें B1 के लेवल की एक स्टैंडर्ड ग्रामर यूज करी हुई हो, तो उनको अपन एज ए मुस्टर ईमेल ले सकते हैं, एग्जाम्पलर। तो वो आपको मैं 15-20 लिख देता हूं, और उसके बाद में जो आप लिख के लाएंगे वो यहां पे करेक्ट कर दूंगा कुछ, जिससे एक आइडिया लगेगा आपको भी। हाँ आप लोग सब लोग एक मान लो दो चार पांच लिख के दिखाओगे तो ये भी पता चल जाएगा कि हाँ भाई राइटिंग में थोड़ी सुधार की जरूरत है, स्मॉल कैपिटल का चक्कर ज्यादा तो नहीं है। प्रैक्टिकली आपके लिख के इधर आएंगे तो बात क्लियर होगी, तभी बात का पूरा पता चलेगा कि हम लोग कहाँ पे हैं अभी। चाहे रिटर्न हम लोग जो एग्जाम प्रिपरेशन करने वाले हैं, आपको प्रैक्टिकल बात बताऊं, एग्जाम प्रिपरेशन में मैं आप लोगों की ज्यादा मदद कर पाता हूं श्राइबन और एक्सप्रेशन में, बिकॉज वही प्रोडक्शन है, आप अपनी लैंग्वेज बना रहे होते हो लिख के या बोल के। सो हम लोग आपके लिखे हुए यहां चेक करेंगे तो आपको साफ फर्क भी दिखेगा कि हाँ ये वाली चीज तो ठीक होनी चाहिए थी, और अगली बार फिर सुधार करके यहाँ पे चेक करा जाएगा तो आपको इम्प्रूवमेंट भी फील होगा, नहीं होगा तो हमको ये फील हो जाएगा कि आप सुधारना नहीं चाहते, तो वो भी साफ दिख जाएगा, तो आपका प्रैक्टिकली दिखेगा हर बार।
क्योंकि मान लो मुख्तार ने एक बार लिखा है, सबने देख लिया कि क्या मिस्टेक करी थी, अगली बार फिर सबने देख लिया वही करी है, तो तीसरी बार लोग मुस्कुराएंगे, कहेंगे कुछ नहीं, तो आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ मेरे को इंप्रूव करना जरूरी है। और ऐसे ही एक्सप्रेशन में कोई भी मिस्टेक करता है तो मैं उसको नोट करता हूँ और फिर आपको बताऊंगा कि भाई इनके इतने मार्क्स आए, 3 मिनट से ज्यादा बोलने नहीं देंगे क्योंकि एग्जाम में 3 मिनट अब ज्यादा नहीं बोलने देंगे तो काम की बात ही बोलेगा बंदा, और अगर उसको खुला छोड़ दिया कि अब आप हो तो वो पता चले कि 7 मिनट तक हमको बोर कर रहे हैं और खुद को भी नहीं पता क्या बोल रहे हैं, तो हम लोग उसको फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ उस व्यू से ही चीजों को देखेंगे तो आपको भी पता रहेगा अल्टीमेटली, क्योंकि एग्जाम में भी कोई 7 मिनट नहीं सुनेगा जब बात ही 3 मिनट की है। तो हम लोग स्प्रेशन और श्राइबन ये चीज यहाँ पे ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी चीजों में क्या होगा, जैसे मान लो मैंने आपको लेजन का दिया, तो लेजन का आपको दिया तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आज 15 वाला लेजन करके आना है, कल आते ही उसके आंसर डिस्कस होंगे, या फिर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका गलत हुआ तो हम डिस्कस कर सकते हैं कि सही ये क्यों है, दूसरा या ये गलत हुआ तो क्यों हुआ, वो चीज हम डिस्कस कर सकते हैं। एग्जैक्टली इसका आंसर आपका तुक्के से तो नहीं हुआ कहीं, वो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ह्योरन और लेजन में तो आंसर आपके साथ शेयर करके और पर्टिकुलर गलत क्यों हुआ ये बात डिस्कस होगी, और बाकी दोनों जगह हम पूरा कंट्रोल करेंगे। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, या सर लेजन और ह्योरन में कुछ ट्रिक्स रहती हैं, जैसे कि पहले क्वेश्चन पढ़ने चाहिए फिर पैराग्राफ पढ़ना चाहिए, और सीक्वेंस में रहते हैं या नहीं रहते, ये चीजें छोटी छोटी मोटी बातें देखी जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल ये लेजन है टाइल 1, ये लेजन है तो 10 मिनट में हमको इसको पढ़ना है सर, ये तो बहुत बड़ा है। हाँ आधा घंटा चाहिए अभी तो इसको पढ़ के नहीं सर, सही में बहुत बड़ा है 10 मिनट में। हाँ तो अभी इसको 10 मिनट एग्जाम में के लिए, और ये पढ़ने से पहले अब इसकी ट्रिक यही है, ये पढ़ने से पहले ये पढ़ना है कि पहले टेक्स्ट शुरू करने से पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं, लेकिन क्वेश्चन भी पढ़ने से पहले टेक्स्ट का हेडिंग पढ़ना है। ट्रिक यही है कि ज्यादातर केसेस में जो टेक्स्ट होता है, ज्यादातर केसेस में उस पूरे टेक्स्ट का सार होता है उसकी हेडिंग, तो ऐसे समझो आपकी हेडिंग पढ़ ली तो आपने एक बार टेक्स्ट पढ़ लिया, फिर दूसरी बार आप जब ये क्वेश्चन समझ गए हो तो ऐसे समझ लो आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो गया कि उसके अंदर है क्या, और तीसरी आपकी ट्रिक लेजन की तीसरी ट्रिक ये है कि क्वेश्चन में कीवर्ड को मार्क करो, क्वेश्चन में कीवर्ड को मार्क करो। फॉर एग्जांपल क्लेमेंस मुटर कॉम्ट आउस नेम लेबनान, तो लेबनान को मार्क करो, मुटर लेबनान, मुटर आउस लेबनान, ये मार्क कर लोगे तो आपके दिमाग में बस वो चीज घूमने लग जाएगी कि जहां भी आंसर दिखेगा वहां पे आपका एक्स्ट्रा ध्यान जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पढ़ा क्लेमेंस कांजिश काउन नॉक ऑन द साइट इन लेबनान एरिनरम, इसका मतलब है कि लेबनान में जब वो रहा उसके बारे में उसको कुछ ज्यादा याद नहीं है, तो काउन वर्ड यहां पे इंपॉर्टेंट है, काउन लेबनान एरिनरम की वर्ड कि लेबनान के बारे में उसको ज्यादा याद नहीं है। सर, जैसे लेजन में ये क्वेश्चन दिया सर, तो ये क्या वो लेजन वाला जो पार्ट है वो क्वेश्चन भी उसी सीक्वेंस में रहता होगा? जनरली यस, सीक्वेंस में रहते हैं जनरली क्वेश्चन, जैसे वो ओके सर, जैसे पहला क्वेश्चन है तो स्टार्टिंग में पढ़ लेंगे तो उसका आंसर मिल जाएगा, वैसे ही है ना? जनरली सीक्वेंस में रहते हैं। सो ये अपने आप में सर पैराग्राफ, सर सर पैराग्राफ यानी पूरा ही पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है कि बस स्कीम कर लें और वो जहां पे सिर्फ आंसर्स नजर आए इस तरह कुछ क्योंकि टाइम का लिमिट होगा ना सर? बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ट्रिक की बात कुछ हो तो मजा आए, नहीं तो क्या ही फायदा। तो कीवर्ड इसमें से आप पहचानो, दूसरी बात जहां जहां पे नंबर है, नंबर के जस्ट बाद में नाउन कोई है तो वो काम का हो सकता है, ये भी इसको ट्रिक मान लो आप, और तो क्या। दूसरी बात अगर आप
आपको ऐसे लगता है कि ये टेक्स्ट तो बड़ा है, मैं फास्ट कैसे पढ़ूं, तो आप बच्चों की तरह पढ़ना शुरू कर दो। जैसे शुरू में जब आप पढ़ो तो अंगुली लगा के पढ़ना शुरू करो, माई नाम इस्ट क्लेमेंस इश बिन सोल्फियारा आल्ट माई फादर इस्ट डिप्लोमाट। तो शुरू में आप क्या करोगे, जिसके ऊपर अंगुली है उसी को पढ़ रहे हो, बट उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए अंगुली को तेज कर दो। अपनी आंखें क्या जल्दी दूर तक का देख लेती है, लेकिन मुंह उतना जल्दी बोल नहीं पाता। तो धीरे धीरे आप फील करोगे कि अंगुली आगे भाग रही है और पीछे पढ़ने की कोशिश कर रहे हो आप धीरे धीरे, क्योंकि आंखें तो जल्दी देख लेती है ना। तो आंखों को जल्दी देख के फिर यूं 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 पढ़ने की आप कोशिश करोगे तो आपको 10 दिन में महसूस होगा कि अरे आप तो फास्ट पढ़ने लग गए। तो बच्चों की तरह उंगली रख के पढ़ना शुरू कर दो, या पेन चालू नहीं होना चाहिए ना। और पढ़ते टाइम पे इसमें भी तो कीवर्ड लग सकते हैं आपको, तो कीवर्ड जहां भी दिखे उसके इशारा करके और आगे बढ़ते जाओ और ऐसे टिक करके ऐसे पढ़ो उसको। और लास्ट ट्रिक तो यही है कि आपको समझ में भी आना चाहिए वोकैब। एक बार जो भी नया वर्ड है वो बिना मार्क करे आगे बढ़ गए आप, तो आपको सोकेंद है, आपको वर्ड मार्क करके ही आगे जाना है। नहीं आया तो एटलीस्ट उसके क्लिक तो करना है कि ये आया नहीं मुझे, और अगले टेक्स्ट में जाने से पहले उसकी डिक्शनरी में से कहीं ना कहीं देख जाके उसको लिख लो वहीं का वहीं, फिर आप देखो आपको मजा आएगा। सारी वोकैब आपकी यहां होगी तो अगला टेक्स्ट इजी लगेगा, फिर उससे अगला और इजी लगेगा क्योंकि रिपीट होता है। सर प्रैक्टिकली शॉर्टकट पे आने के लिए लॉन्ग कट ही जाना पड़ता है, प्रैक्टिकल तरीका है सर। मतलब अगर जिसको जिसने पहले पूरा पढ़ लिया हो वही शॉर्टकट पे आ सकता है, वही उसका बेनिफिट भी ले सकता है। पहले ही शॉर्टकट करेगा, फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स में है भाई 50/100 अगर हम जो है 0.5 लिख दें ऐसे ही है ना, तो वो जो है उतना कारगर नहीं होगा। हमें उसको ट्रेडिशनल पहले समझना होगा, देन उसके बाद हम उसको डायरेक्टली पॉइंट। तो अपन को सारा पढ़ते चलना है। अब आप ये समझना कि B1 आपने जैसे कंप्लीट किया है पढ़ा है तो वोकैब काफी कुछ कवर तो हुई है उसमें, और अब जितनी वोकैब आपने आज तक नहीं सीखी B1 में उतनी अब सीखने वाले हो आप, इसमें इतने नए वर्ड वाले हैं। तो अब इसको हर दिन को चैलेंज की तरह वो ले लेगा बंदा, वो तो अगले 20 दिन में 25 दिन में इस लाइक भी हो सकता है कि एग्जाम दे और आप देखते हो कि अरे ठीक है हो जाएगा, तो होगा नहीं बता देता हूं आपको। आपने जितना होमवर्क बताया उतना नहीं किया तो होगा नहीं, वेरी ट्रू। उसको आपको प्रैक्टिकली वैसे ही लेना पड़ेगा। मैं तो ये कर सकता हूं कि स्टैम्पटिश में टॉपिक भी वही ले लूं ये वाली, कि कुछ लोग वहां भी गला साफ करो और यहां भी करो, ये कर सकता हूं मैं तो। क्लास में 3 मिनट से ज्यादा नहीं बोलने दूंगा, स्टैम्पटिश में आप 5 भी ले लोगे तो मुझे दुख नहीं। यहाँ पे तो सर बिना देखे सर 3 मिनट भी मुश्किल है, सर बिना देखे 3 मिनट भी मुश्किल है। नहीं वो तो मैं बोलने भी नहीं दूंगा, स्वर स्प्रेसिस दास उन दान स्प्रेस वो तो बोलने भी नहीं दूंगा यहाँ, क्योंकि सर हम लोग अगर एग्जाम में ऐसे धीरे धीरे बोले सर तो 3 मिनट तो ही जाएगा। हम समझ जाएंगे आप क्यों बोल रहे हो धीरे। सो उसी हिसाब से देखो, टीचर को भी नंबर देने है ना, तो वो सब समझ जाएंगे आप। क्या गुल खिलाना चाहते हो, सो आप मेहनत करो, अगले जितने भी दिन आप रेगुलरली आ रहे हो मेहनत करो और बोल के पढ़ के सारा इसमें यही ट्रिक है, इसकी और कोई ट्रिक होती नहीं है एक्चुअली। जो आपको 2-5 बातें यहाँ करते करते पता चलेंगी। कई लोग ऐसे होंगे उनको समझ में कम आता है, उनके आंसर ज्यादा सही आते हैं, कि ऐसे भी होंगे महात्मा, उनसे पूछ लो तो ये नहीं पता कि ये क्यों, लेकिन उनका आंसर सही है। सर 1 मंथ प्रिपरेशन से हो जाएगा एग्जाम? सर 1 मंथ की प्रिपरेशन से एग्जाम हो जाएगा? अभी तक भी पढ़ते आए हो तो 1 मंथ काफी है, और 6 मंथ्स भी कम है। जब तक आपकी सीट बुकिंग होगी तब तक तो हो ही जाएगा। पास नहीं हो तो फिर क्या ही फायदा सीट बुक होने का। तैयारी आपको अभी से वैसी रखनी पड़ेगी कि एग्जाम है
20 दिन बाद में। सर ये बुक कैसे करवाते हैं एग्जाम, अगर सपोज करो नवंबर में देना है तो इसका कैसे पता लगता है सेंटर का, और क्या प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन का? ये गोथी वाला तो राम भरोसे है। नहीं ये कहाँ चेक करते हैं, मेरे को एक्चुअली आईडिया ही नहीं है बिल्कुल। ये उनको मेल लिखना पड़ता है और आपको बताया था सीसी भी करना पड़ता है, तो कभी कभी कारगर हो जाता है, नहीं तो भगवान भरोसे बुक करने की कोशिश करते रहते हैं, कभी न कभी होता है। कोई इसमें कोई तरीका नहीं है कि ऐसे होगा। नहीं मेल बॉयके को लिखना पड़ता है जी। रिकॉर्ड हो रहा है क्या? अरे ओके अभी एक बार हम लोग पैटर्न देख लेते हैं फटाक से, पेपर एक नजर, कल आप करके आओगे फिर हम जो अभी देखा था उसी को प्रैक्टिकली यहाँ पे देखते हैं। कि उसमें ये बोला था कि लेजन में पहला ब्लॉग होता है, तो देखो ब्लॉग इस टाइप से होता है, ये ब्लॉग है, इसके क्वेश्चन है। पढ़ने का तरीका हमने देखा कि ये पढ़ना है ना तो पहले हेडिंग पढ़ना है, फिर ये पढ़ डालना है, इसमें क्वेश्चन को स्टिश व्योटर जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, की लगे, की वर्ड हो सकता है ये, उसको अंडरलाइन कर देना है, उसके बाद में इसको पढ़ना है और कहानी को समझते चलना है, फिर आंसर देना है। सेकंड वाले में इन्होंने बोला था दो न्यूज़पेपर के टेक्स्ट आएंगे, तो ये न्यूज़पेपर का एक टेक्स्ट हो गया सेकंड टाइल स्वाई, यहां लिखा हुआ है आउटसाइडर डोइचन साइटूंग, जर्मनी के न्यूज पेपर से, ओंट मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल चॉइस का मतलब यही है आ बे सी में से कोई एक आंसर भी है। ड्राई उंडान नो खाइन साइटों नो खाइन अजो आउटसाइडर स्वाइट सर, ये कोई स्विट्जरलैंड का न्यूज़पेपर है, फ्रॉम देयर दिस इज अ टेक्स्ट, सो अगेन यू विल रीड यूबर स्विफ्ट, हेडिंग पढ़ी फिर क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन में भी तीनों पढ़े, एंड देन इसमें आपको अगर कुछ लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट मामला है तो अकॉर्डिंगली कर सकते हो। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इसमें हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है इस चीज को, इसको तो एक नजर पढ़ना है, क्योंकि इसमें राइट कौन सा ये तो पता नहीं ना हमको, वहां क्वेश्चन में कम से कम ये तो पता था कि यही चीज ढूंढनी है, इसमें तो गलत वाला भी दे रखा है, तो इसको मार्क नहीं करना, इसको बस सरसरी नजर से ही पढ़ना है, तो भी एक अंदाजा लग जाता है कि कौन सा पॉइंट आया था। थर्ड वन एडवर्टीजमेंट्स, एडवर्टीजमेंट्स में उन्होंने बोला था कि आपको 7 सिचुएशंस मिलेंगी, 10 एडवर्टीजमेंट्स होंगे, एक का कोई आंसर नहीं होगा, तो यहाँ पे देखो ये 7 सिचुएशंस हैं, आइन स्वाई ग्राई फियर फ्यूम जैक्स जीवन, ये तो 22 पील है ऑलरेडी किया हुआ है, तो ऑलरेडी किया हुआ है इसका मतलब बी इसमें आ गया, तो अभी और किसी का आंसर बी नहीं होगा, तो एक तो बी को पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है बी, उसको नहीं पढ़ना। दूसरा बाकी सिचुएशंस आइंस स्वाई, एक तो ये गायब भी हो गया, आइंस स्वाई ड्राइव फियर फ्यूम्स जैक्स इवन आक्ट नॉइन, 10 में से एक तो पढ़ना ही नहीं, 9 है, 9 में से 6 आंसर है, 9 में से 6 है, तो इसका मतलब है सारे पढ़ने पड़ेंगे, किसको छोड़ोगे, इतने भी नहीं है कि भाई 20 में से 6 है, 9 में से 6 है, तो मतलब ज्यादातर आप पढ़ रहे हो, आप मान के चलो आंसर ही पढ़ रहे हो किसी ने किसी का, तो एक नजर आपको मारनी पड़ेगी। अब जब सर इसमें तो 2 एक्स्ट्रा है ना, 3 एक्स्ट्रा है, 2 सर, जैसे एक का तो आंसर दिया हुआ है तो इसमें 10 से दिया हुआ है और क्वेश्चन इसमें 7 है, तो 9 हुआ ना, इधर इधर 7 हुआ उधर 9 हुआ, तो लगभग सारे आंसर है। एक में हमने जी सर, नहीं सर इसमें 2 जीरो की लिखना, एक में कुछ आंसर नहीं होगा, उसमें 0 लिखना पड़ेगा, एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका आंसर यहाँ है ही नहीं कहीं भी, उसमें 0 लिखना है, ये ऊपर लिखा हुआ है दी अनसाइग आउस्टेम बाइस्पिल क्योनजी निष्ट मेयर फरवेंडन, मतलब एग्जांपल में जो दिया है उसको आप यूज नहीं कर सकते, फ्यूर आइने जितवाचोन गिप्टस काइने पसंद अनसाइग अनसाइग है, एक ऐसा है जिसका आंसर है ही नहीं, अब वो कौन सा है वो आपको देखना है, इंडिजम फॉल्स राइबन जी नुल,
जिसका आंसर नहीं मिले उसमें जीरो लिख दो। सर मेरे कहने का मतलब है सर, जैसे 22 पिन दिया हुआ है ना, तो इसको मिला के 8 है, तो अपने अपने पास ना 7 ये क्वेश्चन है, और इसका जो एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है सर ये 9 है, तो इधर 7 है उधर 9 है, इसमें बोले इसमें एक आंसर नहीं दिया होगा, इसका मतलब हमें 6 का ही ढूंढना है, लेकिन आंसर इसमें से 9 में से ढूंढना है। Correct. You are right. तो ज्यादा हो गया ना सर, मतलब इसमें सर एक्स्ट्रा दिया हुआ। अगर मान लो 15 होते तो क्या करते, 15 पढ़ते, 20 होते तो क्या करते, 20 पढ़ते, फिर भी ढूंढना पड़ता, तो जो है उसको एक्सेप्ट करना है अपन को, मैं क्या ही दिमाग लगाना कि एक ज्यादा हो गया एक कम हो गया, जो है वो करना है, दैट्स इट। देन टाइल ड्राई, टाइल ड्राई यही चल रहा है क्या, ये तो टाइल ड्राई है, यस। टाइल फियर जो है इसमें ये लेजर ब्रीफ है, मतलब लोगों के कमेंट्स हैं किसी पर्टिकुलर थीम पे, टॉपिक पे लोगों ने अपनी बात रखी है, वो उसके फेवर में बोलते हैं या अगेंस्ट में बोलते हैं, ये तो जनता है। सो खेटन मेल मिट माखन, ऐसे ही हर बार कोई ना कोई टॉपिक होगा, ये स्पैम मेल्स आते हैं आपके पास, तो वो अच्छी बात है खराब बात है, तो आप सोचोगे कि भाई खराब ही बात है ये, तो स्पैम किसको चाहिए, बट कई मिलेंगे महानुभाव, वे कहेंगे कि स्पैम में ही मेरे तो लॉटरी निकली थी, हो सकता है कोई कहेगा कि स्पैम में मेरे को एक ट्रिक पता चली थी, एक आइडिया आया था और उससे मैंने बिजनेस शुरू किया, तो मैं तो चाहता हूँ स्पैम हो रहा है मे बी। तो यहाँ पे सब तरह के लोग होंगे, कोई उसके फेवर में बोलेगा कोई अगेंस्ट बोलेगा, हर बार टॉपिक डिफरेंट हो गया। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, इस वाले में ये पढ़े बिना आपने करो, आपने किया तो फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। सो ये वाला समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंगली ये बंदा उसके फेवर में बोल रहा है तो या अगेंस्ट में बोल रहा है तो नहीं। पढ़ने से अपने आप आइडिया मिलता है और मल्टीपल हिंट्स मिलते हैं कि उसने फेवर में बोला है तो एक जगह नहीं दो जगह बोला होगा कम से कम, ऐसे वर्ड्स। एंड लास्ट लेजन में जो हाउस होल्डनुम बोला था उन्होंने, वो किसी भी बिल्डिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी प्लेस के रूल्स रेगुलेशन होते हैं, किसी पार्क में कोई पार्क कब से कब खुलेगा, कोई लाइब्रेरी के रूल्स रेगुलेशन, एग्जामिनेशन हॉल में कैसे आना है, कैसे काम करना है, कैसे बैठना है, कितनी देर में पेपर करना है, चीटिंग मत कर लेना, क्या क्या चीज़ें चीटिंग करना माना जाएगा, इस तरह की बातें इसमें होती है। म्यूजियम में आप मेंबर बनोगे तो कैसे बनोगे, किसको साथ ला सकते हो, फ्री में कितनी बार आ सकते हो, ये सारी बातें इसमें होंगी। तो इस वाले में जनरली तो कीवर्ड्स दे रखे होते हैं, जैसे फिरुंगन आ गया तो इसका आंसर आपको कहीं ना कहीं फिरुंगन लिखा होगा उसमें मिलेगा, यहाँ पे है फिरुंगन तो यहाँ उसका आंसर मिलेगा, ऐसी पॉसिबिलिटी है। इसके बारे में कई लोग कहते हैं कि इसको पढ़ें कैसे, तो सीधे सीधे पढ़ लो, वोकैब अगर आप निकालते हो तो इसमें सिनोनिम्स का रोल खूब रहता है। 50 कॉमन वर्ब्स, जैसे मान लो कॉमन वर्ब क्या है, पढ़ना लिखना सुनना खरीदना बेचना देखना, ये कॉमन वर्ब है ना, किसी की मदद करना नाराज होना, ये कॉमन वर्ब है, इनके सिनोनिम्स देख लो दो दो तीन तीन। सो 50 ऐसी कॉमन वर्ब्स ले लो, इसमें बहुत मदद मिलेगी। 50 ऐसी एडजेक्टिव ले लो, उनके सिनोनिम्स तीन तीन चार चार बस, और 100 नाउन ले लो उनके सिनोनिम्स। ऑलरेडी आते हैं आपको, आप सोचो कि अब लेने बैठूंगा क्या, अभी भी आते हैं आपको, बट वो इंश्योर कर लो कि काउफन को और क्या क्या कहते हैं। खरीदना, तो खरीदना के लिए और कौन सी वर्ब है, अर्व अर्बन हो सकता है, अनसाफन हो सकता है, काउफन क्या क्या हो सकता है, प्लीजेंट के लिए क्या क्या वर्ड और हो सकता है, आपको देखना है ये कॉमन वर्ब्स कॉमन नाउन्स
और कॉमन एडजेक्टिव्स, ये आप कर लेते हो, टोटल 200 बताए मैंने, 50 वर्ब, 50 एडजेक्टिव और 100 नाउन, जो मोस्ट कॉमन, जो आप ये कम है, बहुत ज्यादा है सर, ज्यादा है ना, ज्यादा तो है, बहुत झोल है सर, मैं तो कह रहा हूँ कि चक्कर में मत पड़ो बी वन के। सही बात, क्योंकि अगर मान लो ये ज्यादा नहीं है तो इसका मतलब है तभी तो बी वन की वैल्यू है, ये ज्यादा ही नहीं होती तो हर कोई करके बैठता हो। यस सर, लेजन में तो वोकैब का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो जैसे वोकैब अभी और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर और रीड करेंगे डेली ऐसे नहीं, नहीं कर सकते हैं क्या? मैं तो कह रहा हूँ कि ये वाला जो है ना, ये वाला जो पेपर सोल्व कर रहे हो आप, इसी पे जो कीवर्ड आ रहे हैं आपको लग रहे हैं, आप तो उनके मीनिंग देखना शुरू कर दो, तो एक ही जगह तीन मीनिंग लिखो तो वो सिनोनिम वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी और वोकैब आपकी याद भी रहेंगे वो आपको, और वहीं की वहीं लिख लो। ये सर पर इसके बाहर से नहीं आता है कि वो क्या जो हम लोग कर रहे हैं उसमें से आएगा क्या? बहुत वो क्या है आपकी बुक में, B1 की बुक में ऑलरेडी खूब वोकैब है, A1 A2 B1 इनमें ऑलरेडी खूब वोकैब है, और उससे भी पहले ये वाला कर लो बुक को, टाइम बचे तो उनको वापस रिपीट करना मोर देन इनफ। यस सर, ओके थैंक्स सर। ये कितने लेवल टेस्ट हैं? क्या लेवल सर हमारे? सर आई मीन मैं पूछ रही हूँ कि ये बुक है पूरी जिसमें ये पूरे टेस्ट हैं या के कुछ पेपर? ये कुछ पेपर्स हैं, प्रैक्टिस करेंगे इसमें से कुछ पेपर्स हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, आपको तो पूरा ही करना है, कुछ पेपर्स सर ये बुक है, देयर इज अ बुक व्हिच हैज 15 मॉडल टेस्ट पेपर्स। यस देयर आर आल्सो अदर पेपर्स, अदर बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट। अगर मान लो आपको लगता है कि ये तो 15 महीने कर लिए, तो इसके बाद में आप दूसरी बुक पे काम करना शुरू कर सकते हो, तीसरी बुक पे काम करना शुरू कर सकते हो, और भी है। यस मुख्तार सर, मैं ये पूछना चाहता था कि बाज़ का सिनोनिम वर्ड्स जो होते हैं, चाहे वो वर्ब्स हो या नाउन हो, तो वो एक सेंटेंस में तो एडजस्ट हो रहे होते हैं, लेकिन बाज़ सेंटेंसेस में एडजस्ट नहीं भी हो पाते, तो वो हमारा कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर गलत तो नहीं हो जाएगा? फिर से बोलो। क्योंकि हमें तो सर बाज सिनोनिम्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं ना, जैसे कॉमन वर्ब्स आपने बताया या कॉमन नाउन, तो वो एक सेंटेंस में एक की जगह हम दूसरा वर्ड लगाया है जो कि उसका सिनोनिम है, वो एडजस्ट किसी किसी सेंटेंस में हो जाता है, किसी किसी में वो उसका मीनिंग बिल्कुली ऑड हो जाता है, तो ऐसा तो नहीं है। मैंने, देखो मैंने अभी आपको बोला ना कि तीन जो मोस्ट कॉमन है तीन वर्ड लिख लो, आप डिक्शनरी में जब भी डालते हो तो आपको उसके आगे ये भी दिखाता है कि इसको 2000 बार काम में लिया गया, 2000 कॉन्टेक्स्ट में शायद इसको यूज हुआ है, उसके नीचे दूसरा दिखाएगा 500 बार, तीसरा दिखाएगा 50 बार, तो हम तो तीनों ले रहे हैं, तो आपके अपने आप वो फिट होने लग जाएगा। जो बंदे जिनके मार्क्स थोड़े ज्यादा आ जाते हैं उनको आपकी जितनी आती है शायद ग्रामर, लेकिन उसके पास एक की जगह तीन वर्ड है। मान लो कोई बंदा आपको मिले कि मेरे को प्रीपोजिशन तो पूरी 26 आती है और 26 मीनिंग भी आते हैं सबके, लेकिन मीनिंग तो प्रीपोजिशन के 100 है, तो जिसको 100 मीनिंग आते हैं 26 प्रीपोजिशन के, बाई के 4 मीनिंग आते हैं, वो तो कोई भी कॉन्टेक्स्ट में समझेगा, और जिसको बाई का एक ही मीनिंग आता है वो एक में ही समझेगा, बाकी पंगू रहेगा आते हुए भी। ऐसे ही वर्ड का, एक वर्ड के कई सारे मीनिंग होते हैं और कई सारे वर्ड्स का एक मीनिंग होता है, तो आप अगर एक की बजाय तीन लिखना शुरू कर दिया आपने, वो भी अभी खास तौर पे जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं वो, बाकी तो पूरे हर वर्ड का ही सिनोनिम मिलता है ना, बट मैं कह रहा हूं जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है आपकी बुद्धि से, उसी के दो दो तीन तीन लिख लो, जो भी ऊपर आ रहे हैं वो, तो अपने आप ही आपकी रीच बढ़ जाएगी मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में। बस जो जितना ज्यादा बढ़ता जाता है उतना उसको रीच बढ़ जाती है। यस अंसिर सर, ये जो आप अभी टेक्स्ट दिखा रहे हैं इसकी आप नोट्स देंगे या कुछ बुक रिकमेंड करेंगे? ये मैं आपको प्रिपरेशन के लिए आपको ये फॉरवर्ड कर देता हूँ मैं ग्रुप में फिर से। जी कल ने ये भेजा, स्टडी मटेरियल आज किसी ने भेजा है सर? ये आज भेज दिया क्या? ठीक है आज किसी ने ग्रुप में भेजा भी है? हाँ ग्रुप में भेज दिया, फिर ठीक है।
और सर बाकी बाकी इमेटेरियल में भी है ये। बुक है रिकमेंड करते हैं आपको ये बुक जी, या फिर कैसे कर सकते हैं देखो अगर इनको खत्म करने की। इसके बाद में और भी चार कर दूंगा मैं रिकमेंड, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सबसे पहले इसको सीरियसली करना है, क्योंकि मैं आपको बताऊं मैंने अक्सर तमाशा देखा है, मैं रिकमेंड करता हूं और एक पे भी काम नहीं हो पाता है, राइट। तो इसको इतना सीरियसली रिलीजियसली आप कर लोगे तो मैं कह रहा हूं आप पक्के पास होंगे। एक से ही एक को साध लिया तो सब सध गए, और केवल फॉर्मेलिटी के लिए चार ले ली तो कुछ नहीं होगा। हालांकि रिकमेंड क्या अपनी ऐप में भी पढ़ी है, और मैं आपको ग्रुप में भी भेज सकता हूं, मेरे को तो क्या ही लगेगा, डेफिनेटली मैं शेयर करूंगा। थैंक यू सर। सर कोई टेल का बुक है आपके पास? टेल का बुक है मेरे पास, एक दो बुक है टेल की, वो भी आपको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। थैंक यू। और टेल के भी अपन एक दो पेपर तो पक्का ही करेंगे, हो सके तीन करें। हां हिना ग्रुप में ही नहीं हो सर, मेरे को ज्वाइन कर लेना तो मैं तो पक्का। ठीक है बिल्कुल हीरा, आपको सेलेक्ट कर देते हैं। यस अभिषेक सर, बुक में भी शायद एक चैप्टर बाकी है तो वो हो गया, फिर कुछ बोलेगा। बुक में से जो चैप्टर बाकी है उसका मैंने आपको वीडियो बना के भेज दिया है, वो आपको देखना पड़ेगा। ऐप में या फिर ऐप में? ओके ऐप में आपको वीडियो वो मैंने इसीलिए भेज दिया, नहीं तो पता चलेगा कि अभी जो पेपर कर पा रहे हैं अपन और कम कर पाएंगे फिर। ओके सर। सर कुछ लोगों के वो वीडियो शो नहीं हो रहे। कुछ लोगों के वीडियो शो नहीं हो रहे? आप अपनी बात करो, आपको शो हो रहा है नहीं हो रहा तो कॉल कर लो क्लास के जस्ट बाद में। सर ये एग्जाम प्रिपरेशन कितना टाइम तक चलेगी? इस महीने चलेगी लास्ट तक। ओके सर। हाँ सर, जो आप मटेरियल देंगे उसकी ऑडियोस कहाँ से लेंगे? उसके ऑडियो का लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, YouTube okay, पे भी पढ़े, लेकिन एक बार आपको मैं शेयर कर दूंगा। ओके थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन? आज तो क्वेश्चन में ही मजा आ गया, पढ़ाने नहीं पड़ा। या ओके ठीक है, अभी दो तीन मिनट है, दूसरा देखते हैं जब तक। सो नहीं, क्वेश्चन सारे वैलिड हैं आपके, कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई हल्का क्वेश्चन हो, क्योंकि जब तक अपने फंडे ही क्लियर नहीं हो मान लो तो फिर फोकस प्रिपरेशन भी नहीं कर सकते। तो आपने मुझे भी मौका दिया जवाब देने का। ह्यूरन में सॉरी सर, सर अब आखिरी क्वेश्चन, आंसर ट्रांसफर करने का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा? आंसर ट्रांसफर करने का एक्स्ट्रा टाइम देंगे या के साथ साथ ही हम ट्रांसफर करते जाएं? देखो जितना भी इसमें आंसर का टाइम दे रखा है ना, किसी में 60 मिनट किसी में 65 मिनट, आपको उससे 5 मिनट कम ही लेनी है ये मान के चलना। क्योंकि सर वो IELTS में ऐसा ही होता है सर, वो ट्रांसफर साथ साथ ही करना होता है, नहीं तो पेपर सब हल कर लिया और ट्रांसफर नहीं किया तो फिर वो रह गया। हाँ तो वो तो रही जाएगा यहाँ भी, अपने तो 5 मिनट 5-7 मिनट अपने उसी में रखो एक्स्ट्रा पहले से। ओके बहुत पढ़ाइयाँ कर रखी है IELTS यानी। ओके सो ह्योरन, ह्योरन के यहाँ पे पहले थे ना 5 टेक्स्ट, प्योर टेक्स्ट है। पहले को दो बार सुनाएंगे जैसे बोला था, एक होगा रिस्टिश फॉल्स, ये वाला रिस्टिश फॉल्स, और एक में मल्टीपल चॉइस आबे से, लेकिन दो बार सुनने का मौका मिलेगा, ये कितनी बढ़िया बात है। सो ये तो ऑलरेडी आंसर भी दे रखे हैं, बाकी ये 5 है, दो बार इसको सुनाएंगे, एक टेक्स्ट सुनाया आंसर करो, फिर से इसी को सुनाएंगे फिर आंसर कर सकते हो, ऐसे करके टाइलाइंस हो गया। ये टाइल स्वाई लिसनिंग का, टाइल स्वाई इन्होंने बोला था मोनोलॉग, तो मोनोलॉग में ये बता रहे हैं जैसे जी जिंड ऑफ देम एल्टन इंफॉर्मेशन आबेंज फ्यूराइन शूल राइज इन इनफेरियन कैंप, कि भाई बच्चों को घुमाने ले जा रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि कहाँ पे लेके जाएंगे, कितने दिन का टूर होगा, खाने को कहाँ मिलेगा, रात को कहाँ रुकेंगे, कितने रुपए आपको देने हैं, सारी व्यवस्थाओं के बारे में वो बोलते चले जाएंगे, कौन साथ जा रहा है, आप किसको कांटेक्ट करें जर्नी के दौरान बच्चे से बात करनी हो, तो इस तरह की बातें करते करते एक बंदा बोलता चला जाएगा, मोनोलॉग है, डायलॉग नहीं है इसमें, और आपको आंसर दे दें मल्टीपल चॉइस आबे से, इनमें से आंसर जरूर है। सर इसमें इसमें जैक्सिस सेकुंडन साइट मतलब 60 सेकंड मिलेंगे सर? 60 सेकंड्स मिलेंगे, मतलब 1 मिनट का टाइम मिलेगा आपको सारा पढ़ने के लिए,
तो इधर से उधर मत कर लेना गर्दन, नहीं तो 24 सेकंड है सीधा सीधा, और अंगुली लगा के पढ़ना जैसे बताया था अभी। वेयर फिटिंग्स जिससे पूरी प्रैक्टिस से हो जाएगा लग रहा है मुझे, जल्दी इसे 1 मिनट के अंदर ही हो जाएगा, हो जाएगा प्रैक्टिस से, अंगुली लगा के पढ़ो हो जाएगा, और फिर जल्दी जल्दी बिल्कुल। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आपको बोला था इसमें सीक्वेंस में चलता है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, ये सीक्वेंस में चलता है। आप सोचो कि पढ़ हम यहाँ देख रहे हैं आंसर यहाँ आ रहा हो तो क्या होता है अपने में, V2 में ऐसी चीजें होती है, अभी नहीं है, वो डिफिकल्ट है, वो डिफिकल्ट, बहुत भाग्यशाली हो आप लोग कि सीक्वेंस में चलता है सब कुछ। सर इसमें भी है एक दो जिसके अंदर पहले है ना बीच वाला बोल देता है, एक आपकी तो अलग बात है बाकी सीक्वेंस में रहता है। तो यहाँ भी आपको जो कीवर्ड लग रहा होता है उसको अंडरलाइन करते हुए चलो, बिल्कुल ठीक किया आपने। सो वी फील ए किंडर वोनन इन आइनम बंगालो, तो वी फील ए किंडर बंगालो इन आइनम बंगालो, तो इसको मार्क कर दिया आपने तो ध्यान से सुनोगे। यस एक्सक्यूज मी सर, यस सर, ये जो आंसर आप कर रहे हैं इनको डार्क करना है या क्रॉस करना है, जैसे कि पूरा डार्क करना है ऑप्शन को इसको या फिर क्रॉस करना है? क्रॉस करना होता है, क्रॉस। ओके सर, क्रॉस करना होता है और उसके बाद में ये आ गया टाइल फियर। टाइल फियर जो है इसमें टाइल 3 जो था उसमें ये डायलॉग था कि दो लोग बात कर रहे हैं तो अपन को समझना है कि क्या पूछ रहा है, क्या जवाब दे रहा है, उसकी स्टोरी भी समझ में आनी चाहिए, उसके हिसाब से रिश्तेज फॉल्स करेंगे अपन। और ये लास्ट टाइल जो है ह्यूरन की, इसमें 3 लोग बात कर रहे होंगे, एक मॉडरेटर होगा, 2 लोग होगा इंटरव्यू ले रहा है वो, तो आपको इसमें आवाज भी पहचानिए कि ये मोतीराम की आवाज मोटी है सर, तो ये आवाज पहचानने वाला कभी भी तीनों ही सेम ही तक, तो आपको विजुलाइजेशन करना है। एक तो अलग होता है क्योंकि इसमें एक एक मैक्स या तो ये लड़कियों की 2 लड़कियों के ऐसे कुछ होता है। हाँ हाँ ऐसा भी हो जाता है कि दोनों ही लड़कियां हैं, हाँ उनकी आवाज सेम ही लगती है सर, बिल्कुल लगेगी सेम। तो आपको क्या करना है कि मॉडरेटर जब स्टार्ट करेगा तो आप उसकी मॉडरेटर की आवाज को पहचानो कि अच्छा ये लपक लपक के बोल रहा है या मोटी आवाज है या स्ट्रॉन्ग है, लीडर की तरह बोल रहा है। फिर ये बोलता है तो इसका नाम लेता है और फिर ये बंदा बोलेगा, तो ये बोलते टाइम पे नाम बोलता है। कभी ये बोल देता है कि मान लो बच्चा ही है तो उसको फर्स्ट नेम से बोलेगा, अदरवाइज फ्राउ वेबर या हेयर वेबर ऐसे बोलेगा, तो ये बंदे की आवाज पहचान गए, फिर आपको पता है कि वेबर से बात कर रहा है तो आप वेबर बोल रहा होगा। उससे पहले आपने ये सारे पढ़ ही लिए तो पढ़ते टाइम पे आपने मार्क भी कर लिया, ये तो सारे ही बोल रहे हैं लेकिन बोल कौन रहा है, तो उनकी आवाज पहचानना जरूरी है इसमें खासतौर पर। सर वो आप लोगों ने रेडियो स्टेडियम का जो एग्जांपल लिया था ना वही है ना, वो रेडियो स्टेडियम 3 पर्सन एक्सप्रेशन, वो रेडियो स्टेडियम का जो एग्जांपल लिया था वही है ना सर, वही वही वही, यस यस वही वही आया था एग्जांपल, इनके सबके आ चुके थोड़े थोड़े। और श्राइबन और एक्सप्रेशन है उसको मतलब मैं मदद भी वहीं कर पाता हूँ और मुझे उसको ही करने में ज्यादा मजा भी आ रहा होता है, क्योंकि कई बार बच्चों के 100 में से 100 आ गए हैं, तो मेरे को लगता है कि इसमें से भी निकलेगा कोई ना कोई बंदा, हर ग्रुप में मेरे को लगता है कि कोई तो ले जाएगा क्योंकि इसमें स्कोप खूब रहता है। तो यहाँ पे आपको मैं एक तो 10-20 जो मॉडल लिखे हुए एक स्टैंडर्ड साइज के वो आपको शेयर करूँगा, उसका तो आज ही करूँगा और फिर अपन कल मिलते हैं। कल आप अब एक चीज बताओ आप मेरे को कि हमको पेपर सोल्व करने हैं फर्स्ट से या 15 से करें, चलो ठीक है। तो आप आज ये कर लो कि 15 का जो है मॉडल टेस्ट, 15 का जो मॉडल टेस्ट है ये वाला, इसका केवल और केवल एक्सप्रेशन करके आ जाओ, केवल और केवल एक्सप्रेशन उसकी तैयारी करके आ जाओ कल, ओनली एक्सप्रेशन। और फिर मैं आपके साथ जो राइटिंग वाले कुछ मॉडल टेस्ट शेयर कर चुका हूंगा वीकेंड में, जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका उनको कॉपी में उतार लेना ताकि आपका फिर प्रोडक्शन शुरू होगा। एक बार आप उनको कॉपी में उतार लोगे वीकेंड में
तो इसका मतलब है आपको एक अंदाजा हो गया अच्छे से, फिर आपकी भी मतलब आप अपने इंडिविजुअल प्रोड्यूस करोगे तो फिर चेक करने का भी मजा आएगा, क्योंकि मान लो आपने 10-20 पढ़े ही नहीं तो फिर आप एक्सपेरिमेंट करने में बहुत टाइम लगा दोगे, तो 10-15 आपके पास होंगे, वो 10-15 पूरे के पूरे ही वीकेंड में एक बार कॉपी उतार लोगे एज इट इज, तो आपको पता चल गया कि किस किस तरीके से अपन को यूज करना है, फिर आपको मजा आने लग जाएगा मंडे से। ओके ठीक है, यस सर, गुड डन, यस सर।